तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, तो आज हमारा जो आगे का टॉपिक होने वाला है ये प्रोग्रामर के ऊपर होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दोस्तों बताया कि यूफाई की बात कह रहा हूँ कि हमारे पास जो एमएमसी है उसका क्या रोल है, एमएमसी यूएफएस क्या होता है, एमएमसी आईसी को कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे किया जाता है। आज दोस्तों जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं प्रोग्रामर के बारे में बात करने वाला हूँ कि प्रोग्रामर क्या है और प्रोग्रामर का क्या रोल है, प्रोग्रामर का कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों ये जितनी भी सारी वीडियो हम लेकर के आए हैं ये हम एमएमसी प्रोग्रामिंग के ऊपर टोटल वीडियो लेकर के आए हैं। कम से कम काफी सारी वीडियो होने वाली हैं जो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हेल्पफुल होने वाली हैं, ताकि आप एडवांस लेवल तक की सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग को आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रोग्रामर के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में जब डाटा केबल का काम खत्म हो जाता है या डाटा केबल के माध्यम से कोई भी जो हम सॉफ्टवेयर का काम करते हैं वो वहां पर हम लोग फेल हो जाते हैं, तो फिर लास्ट एक ही तरीका बचता है, या कोई ऐसा मोबाइल फोन है जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है लेकिन फोन डेड हो गया है, उस कंडीशन पर जितने भी सारे मेथड हो जाते हैं सब फेल हो जाते हैं, हमारे एमएमसी आईसी चेंज करना है या बूट डेड हो जाता है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस आती हैं, या ऑनलाइन मोबाइल फोन जो ठीक होने वाले हैं उनको ऑफलाइन मोड में रिपेयर करना है, अगर ऐसी कोई भी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम्स आती है उनको ठीक करने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज बेचती है, प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर के माध्यम से हम सारे मोबाइल फोन को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और उनको सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम में आने वाली समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रामर से जो भी प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है उसका कई गुना ज्यादा चार्ज होता है। जैसे आपके पास कोई रेडमी का मोबाइल फोन आया, 15-20 हज़ार रुपए का मोबाइल फोन है, बहुत अच्छा फोन है, लेकिन फोन डेड हो गया, कस्टमर के चलते चलते बंद हो गया, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसी एरर आई, कस्टमर ने अपडेट कर दिया, मोबाइल फोन डेड हो गया, तो उस कंडीशन पर हमको प्रोग्रामर की बहुत जरूरत पड़ती है। प्रोग्रामर के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट आईसी से कनेक्ट होकर के सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्रोग्रामर के ऊपर होने वाला है, प्रोग्रामर का कैसे यूज किया जाता है, प्रोग्रामर का यूज करने का तरीका क्या है और प्रोग्रामर कितने रुपए का आता है, कैसे आप परचेज करेंगे, इन सब चीज के बारे में आज मैं आपको टोटल जानकारी देने वाला हूँ। कैसे प्रोग्रामर होता है, दिखता कैसे है, उसके में क्या क्या सारी चीजें आती है, सब चीज के बारे में आज टोटल आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर एमएमसी की रिपेयरिंग सीखनी है तो दोस्तों प्रोग्रामर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रिपेयर तो इसी के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला प्रोग्रामर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूएफआई, क्या बोलते हैं दोस्तों, यूएफआई। उसके बाद दूसरा प्रोग्रामर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेटेक। उसके बाद तीसरा प्रोग्रामर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमआईपी टेस्टर। तो सबसे पहला प्रोग्रामर कौन था यूएफआई, दूसरा प्रोग्रामर कौन था जेटेक, तीसरा प्रोग्रामर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एमआईपी टेस्टर, एमआईपी टेस्टर। उसके बाद चौथा प्रोग्रामर आता है मेडूसा प्रो। अगर योफाई की बात करते हैं तो योफाई जो प्रोग्रामर आता है ये समथिंग 21,000 प्लस 20,000 दो आते हैं। जो 21,000 का आता है इसमें एमएमसी तक का सपोर्ट होता है, जो 20,000 रुपए तक का आता है इसमें यूएफएस का भी सपोर्ट होता है। उसके बाद जेटेक जो आता है ये समथिंग 35,000 रुपए का आज के डेट में चल रहा है और अभी इसने नया लॉन्च किया है। एमआईपी टेस्टर है ये समथिंग 49,000 रुपए का है। मेडूसा प्रो है ये भी समथिंग 50,000 रुपए का है। तो ये इतने तरीके के प्रोग्रामर आते हैं, उनके ये प्राइस होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, मैं एक एक करके जितने भी सारे प्रोग्रामर है सारे प्रोग्रामर के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल देने वाला हूँ, ताकि आप सभी चीजों के बारे में अच्छे सीख करके अच्छे तरीके से काम कर सकें और इसके माध्यम से कैसे एमएमसी को रीड राइट किया जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर किया जाता है, कैसे प्रोग्राम किया जाता है या उसके अंदर डाटा कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज के बारे में मैं आज आपको वीडियो देने वाला हूँ और एक एक करके सभी चीजों के बारे में आपको समझाऊंगा। तो पहले तो दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि भाई ये प्रोग्रामर क्या चीज है, प्रोग्रामर क्या है यूएफआई। अब देखिए देखने में कैसा होता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले करा देता हूँ।
सबसे पहली बात क्या है, ये देखिए, ये ऐसा यू फाई होता है, ये इसके एनएमएमसी के अडेप्टर आते हैं, ये इसके अंदर एमएमसी आईसी लगी होती है, ये एमएमसी का अडेप्टर लगा हुआ है। उसके बाद ये इसके साथ में यूएफआई लाइट आता है, ये इसके साथ में टीएमएस अडेप्टर आता है, और ये इसके साथ में केबल आती है। मतलब अगर टोटल देखा जाए तो ये इतने सारे 5-6 आइटम आते हैं, और 5-6 आइटम सब कुछ एक साथ में ही आते हैं। और अगर आप जब योफस का लेंगे तो योफस का एक इसी तरीके से एक अलग से आता है। तो ये हमारे प्रोग्रामर होते हैं। अब प्रोग्रामर को यूज कैसे करना है, प्रोग्रामर को चलाना कैसे, उसका तरीका हम लोग सिखाते हैं आपको कि प्रोग्रामर कैसे चलाएंगे। सबसे पहली बात हम बात करेंगे जहां पर हम बात कर रहे थे यूएफआई की, किसके बात कर रहे थे, यूएफआई के। यूएफआई का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल फ्लैश इंटरफेस, यूनिवर्सल फ्लैश इंटरफेस। अब बात करते हैं यूएफआई में सबसे पहला पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूएफआई बॉक्स। क्या आता है दोस्तों, यूएफआई बॉक्स। देखिए ये आपके सामने बॉक्स, ऐसा बॉक्स आता है। उसके बाद यूएफआई बॉक्स के बाद आता है टीएमएस एडाप्टर। अब देखिए टीएमएस एडाप्टर कैसा होता है, ये देखिए दोस्तों, ये टीएमएस एडाप्टर होता है ऐसे, ये दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा पास में दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये तुम्हारा यूएफआई बॉक्स है, अब उसके बाद तीसरी चीज आती है एमएमसी एडाप्टर। तीसरी चीज क्या आती है, एमएमसी एडाप्टर। एमएमसी एडाप्टर का मतलब होता है ये, देख रहे हो दोस्तों, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएमसी एडाप्टर। तो यूएफआई बॉक्स, टीएमएस एडाप्टर, एमएमसी एडाप्टर। उसके बाद अगला आता है आपका केबल, ये ऐसे केबल आती है। उसके बाद पांचवी चीज आती है यूएफआई लाइट, ये देखिए दोस्तों, ऐसा यूएफआई लाइट आता है। मैं देखिए आपको दिखाता हूं इसमें से, देखिए ये किसमें क्या करना होता है कि जैसे आपका यूएफआई बॉक्स है, इसमें कोई भी आईसी को प्रोग्राम करना है तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे बॉक्स को कंप्यूटर पर लगा दीजिए, कंप्यूटर पर लगाने के बाद इसमें ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, इसके बाद ये यूएसबी बन जाएगा। यूएसबी बनने से क्या होगा, आपका डाटा जो भी रीड राइट होगा फास्ट डाटा, यूएफआई लाइट के माध्यम से फास्ट डाटा रीड राइट होता है जिससे आईसी जल्दी प्रोग्राम होती है। तो ये यूएफआई बॉक्स में अंदर ये इतनी सारी चीजें आती हैं। अब अच्छा इसको चालू कैसे करेंगे, इसको चालू करने का तरीका, इसको चालू कैसे करेंगे, चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या इसको ऑन कैसे करेंगे, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात है आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाकर के लिखना पड़ेगा यूएफआई सेटअप। यूएफआई बॉक्स जो बनाने वाली कंपनी है वो है मार्टिव। कौन सी कंपनी है दोस्तों, मार्टिव। ये देखिए यहां पर लिखा भी होता है यूएफआई बॉक्स में, मार्टिव। तो यूएफआई बॉक्स जो बनाने वाली कंपनी है मार्टिव, तो मार्टिव कंपनी से यूएफआई बॉक्स को बनाया है। तो गूगल में जाकर लिखें यूएफआई सेटअप, जैसे यूएफआई सेटअप लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सेटअप को डाउनलोड करेंगे,
सेटअप को डाउनलोड करेंगे, मतलब गूगल में जाएंगे, यो फाई सेटअप लिखेंगे, सेटअप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद सेटअप को इंस्टॉल करें, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्या कर लेंगे, सेटअप को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यो फाई बॉक्स में क्या करना है, ये इतने सारे पांच आइटम आते हैं, बॉक्स ही कनेक्ट होकर इंस्टॉल होता है। गूगल में जाएंगे, गूगल में लिखेंगे यो फाई सेटअप, यो फाई सेटअप करने में डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए चलिए वीडियो में चलते आएंगे। हम लोग चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, सिस्टम में गूगल पे गए, गूगल में जाने के बाद यहां पर हमने सेट किया यो फाई सेटअप डाउनलोड। जैसे आप यो फाई सेटअप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी चले जाइए, जैसे रिपेयर माई मोबाइल फोन की वेबसाइट में हम लोग चले जाते हैं। जैसे आप डाउनलोड पर चले जाएंगे तो डाउनलोड करने के बाद यहां पर देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो उसको है उसको डाउनलोड करेंगे। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो 283 MB का जो सॉफ्टवेयर है ये आपका स्क्रीन में डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर रख लेंगे। जब आप इसको डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन में रख लेंगे इस सेटअप को, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल कैसे होगा मैं आपको वो तरीका भी लिख देता हूँ। ये सारे दोस्तों जितनी भी सारी चीज़ें लिखी हैं इनको कॉपी में अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझें। नहीं होता है तो मोबाइल फ़ोन में अगर देख रहे हो तो स्क्रीन शॉट ले लो, ताकि जब फ्री हो तो लिख लो। देखो जितनी भी सारी चीज़ें भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ी मेहनत करें। क्या मेहनत करें, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको एक कॉपी पेन बनाओ। कॉपी पेन बनाने के बाद एक एक करके सब चीज़ों को नोट करो, क्योंकि जब नोट करोगे, समझोगे, उस पर पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो कुछ समझ में आएगा ना दोस्तों। दूसरी बात, ये वीडियो मैं आपको इसलिए भी डालता हूँ, ये सारी डेमो वीडियो हैं। डेमो वीडियो से आप ये देख सकते हैं कि सर ने हमको किस तरीके से सिखाया है, कैसे हमको सभी चीज़ों के बारे में समझाया है, ताकि अगर मेरा मन करता है सीखने के लिए या सीखने के लिए हम प्रिपेयर होना चाहते हैं या इसकी इन सब चीज़ों की हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो भाई जब आपको समझ में आएगा तभी तो सीखेंगे ना, कि नहीं समझ में आएगा जबरदस्ती घुस जाएंगे। तो भाई कोई भी लाइन पे आप जब जा रहे हो तो वो जब समझ में आए तभी उस लाइन में जाओ, नहीं तो मत जाओ। हर एक आदमी डॉक्टर नहीं बन जाता, और हर एक आदमी झाड़ू पोछा वाला नहीं बन जाता, और हर एक आदमी मोबाइल फोन बनाने वाला नहीं बन पाता। वही बनता है जिसके अंदर की दिल इच्छा होती है, जिसका खुद का मन होता है। आज भी मैं कहता हूँ मेरे पास बच्चे जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, मैं उनसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे पहले तुम क्यों काम सीखना चाहते हो, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई भी मक्कार आदमी आए और काम सीखे, अपना समय नष्ट करे, मेरा भी समय नष्ट करे, अपना भी नाम खराब करे, मेरे को भी चार गाली दे। क्योंकि इस लाइन में ऐसा बहुत होता है कि जब आप कहीं सीखने के लिए आते हैं तो आदमी जरूर कहता है भाई काम सीख क्या हो, कैसा काम सीख क्या हो, ये ट्रेनिंग का काम है, कोई पढ़ाई का काम नहीं है कि पढ़ लिया सर्टिफिकेट मिल गया पास हो गए काम खत्म। इसमें सीखने के बाद भाई काम भी करना है, तो काम करने का मतलब क्या है, आपको सीखना है, सीखने का मतलब अच्छा सीखना है, बढ़िया तरीके से काम करना है। तो बढ़िया तरीके से काम करने के लिए सारी बातें आपको समझ में भी आनी चाहिए, आपके बुद्धि के अंदर घुसने भी चाहिए। तो मेरे पास सब बच्चे फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर हमको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखना है, तो मैं पहला क्वेश्चन यही होता है क्यों सीखना चाहते हो, तो उसके यही बात होती है कि मेरा बचपन से मन था, मेरा टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं यही काम सीखना चाहता हूँ, या बहुत ऐसे लोग कह रहे हैं कि मैं उस लाइन में जुड़ा हूँ या पूरा काम नहीं कर पाता, ऐसे कोई भी दिमाग के अंदर दुविधाएं हैं, या बहुत ऐसे लोग जो कहते हैं मैं बहुत साल से नौकरी कर रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ या बेरोजगार हूँ, वो चाहते हैं कि मेरे हाथ में कोई काम सीख जाऊँ और हैंड स्किल आ जाए, कोई प्रैक्टिकल काम सीख जाऊँ जिसकी वजह से मैं मार्केट में काम कर सकूँ, दो पैसे कमा सकूँ। तो इसलिए क्या है कि वो लोग सीखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि वो ज्वाइन करने से पहले वो ये समझ लें कि हमको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, हमसे ही क्यों सीखना चाहिए, यहाँ से ही क्यों सीखना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए 2-4-10 वीडियो देखो, तभी फ़ोन करना, तभी सीखने की बात करना। चलो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारे ये पांच आइटम आते हैं, पांच पार्ट आते हैं साथ में। अब इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, गूगल पर जाएंगे, गूगल में लिखेंगे यो फाई सेटअप, सेटअप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, सेटअप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल क्या करेंगे देखिए मैं उसको ही बता देता हूँ, यो फाई सेटअप इंस्टॉल। जब यो फाई सेटअप को इंस्टॉल करेंगे
कि यो फाई सेटअप इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहली बात बॉक्स को सिस्टम से कनेक्ट करें। मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा, पहले समझते रहो। यो फाई बॉक्स को सिस्टम से कनेक्ट करें। जब सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद कैसे कनेक्ट होगा, डाटा केबल के माध्यम से बॉक्स को कनेक्ट कर दें। उसके बाद सेटअप ओपन करें। जब तुम सेटअप ओपन कर लोगे तो सेटअप ओपन करने के बाद तुम्हारा सेटअप खुल जाए। सेटअप खुलने के बाद सबसे पहली बात ये तीन चीजों को इंस्टॉल करता है। पहली चीज तो इंस्टॉल करता है यूएफआई का बॉक्स ड्राइवर। मतलब यूएफआई जो बॉक्स है ये अपना खुद का ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करता है, क्योंकि जब तक खुद ही नहीं कनेक्ट होगा तो आगे के सॉफ्टवेयर क्या खाक चलेंगे। तो पहली बात ये खुद ही अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब अपना खुद का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेगा फिर ये अपने मन से ऑल मोबाइल फोन ड्राइवर, ऑल मोबाइल फोन के ड्राइवर, मतलब मोबाइल फोन के अंदर जितने सारे ड्राइवर होते हैं उन सारे ड्राइवर को खुद इंस्टॉल करता है। कैसे, कौन कौन से ड्राइवर, जैसे क्वालकॉम, एमटीके, एसपीडी, शाओमी, नोकिया, ओपो, ईटीसी, बहुत सारे जो ड्राइवर होते हैं इसमें खुद ही ऐसा टिक मार्क लग करके आता है। ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा। जब सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर लेगा तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद फिर ये इंस्टॉल करता है यूएफआई एमएमसी टूल। क्या इंस्टॉल करता है दोस्तों, यूएफआई एमएमसी टूल इंस्टॉल करता है। अब टूल कौन कौन से करता है, सबसे पहली बात तो तुम्हारा एमएमसी टूल करता है। अगर मान लिया तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर एमएमसी आईसी लगी है तो आप एमएमसी आईसी को रिवॉल्व करके रीड राइट करेंगे, जो भी प्रोग्राम करेंगे, डाटा निकालेंगे, जो भी कुछ करेंगे वो कहां पर करेंगे, एमएमसी टूल में करेंगे। कहां पर करेंगे, एमएमसी टूल में करेंगे। उसके बाद यूएफएस टूल। अगर मान लिया तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर यूएफएस चिप लगी है, 2.0 3.0 3.1, अगर यूएफएस चिप लगी है तो उसको जब रीड राइट करेंगे या उसमें सॉफ्टवेयर करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो आप यूएफएस टूल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, यूएफएस टूल का। उसके बाद तीसरा टूल आता है एंड्रॉयड टूल। एंड्रॉयड टूल का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, एंड्रॉयड टूल। मतलब जो बहुत ऐसे मोबाइल फोन होते हैं जिनको यूएसबी केबल के माध्यम से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, तो ये हम लोग एंड्रॉयड टूल के माध्यम से करेंगे। उसमें एंड्रॉयड टूल का भी ऑप्शन आता है, कैसा दिखता है अभी मैं सब चीज आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद अगला टूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं चिप टूल। चिप टूल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो छोटी छोटी बायोस आईसी या प्रोग्रामर आईसी लगी होती हैं, उन चिप टूल को भी इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि उसके अंदर 8 पिन की आईसी, जैसे तुम्हारे टीवी के अंदर आईसी लगी होती है या लैपटॉप कंप्यूटर में बायोस आईसी यूज होती हैं या और भी चीजें, जैसे चीजें इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग आईसियां लगी होती हैं, उन सब चीजों को इस चिप टूल के अंदर किया जाता है। तो फिलहाल हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो यूज होता है वो मोबाइल फोन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपके स्क्रीन में खुल के आ जाएंगे, यही सॉफ्टवेयर है, इन्हीं के माध्यम से आप रिपेयरिंग करने वाले हैं। लेकिन कब करने वाले हैं, जब आप इनको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपके स्क्रीन में आ जाएंगे, और आपके स्क्रीन में आने के बाद आप जो भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग करना चाहते हैं, या मोबाइल फोन का आईसी का डाटा निकालना चाहते हैं, उसका पासवर्ड रीड करना चाहते हैं, या फोन को फॉर्मेट करना चाहते हैं, फ्लैशिंग करना चाहते हैं, तो जो आपके पास आएगा उसी हिसाब से टूल करेंगे। अच्छा, तुमको पता कैसे चलेगा कि हमारे पास एमएमसी लगा है कि यूएफएस लगा है,
देखिए उसके लिए एक तरीका होता है, आप जीएसआर मरीना में चले जाएं, उसके लिए गूगल खोलें। गूगल खोल लिया, गूगल खोलने के बाद मान लिया मेरे पास मोबाइल फोन आ गया, मोबाइल फोन आ गया सैमसंग, सैमसंग J5। GSM अरिना देखिए इसके अंदर क्या लगा है, MMC क्या लगा है दोस्तों, कंप्यूटर ने छोड़ दिया क्या, ले लिया MMC। कौन सी आईसी लगी है, MMC। अच्छा जिसमें योफेस लगा होगा उसमें यहाँ पर लिखा होता है ऐसे योफेस, तो जब योफेस लिखा होगा तो आप कहां पर जाएंगे, योफेस में जाएंगे, और जब MMC लिखा है तो कहां पर जाएंगे, MMC में जाएंगे, तो ये लिखा होता है। मान लिया सैमसंग, M31S और खोलेंगे GSM अरीना, ठीक है खोलो भाई, लिखा ना योफेस, क्या लिखा हुआ है योफेस। तो आप इसी हिसाब से टूल का इस्तेमाल करेंगे, यहां से आप पता कर सकते हैं, ये नहीं कि MMC में योफेस, योफेस में MMC घुस रहे पड़े हो, काम नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हो, रीड राइट नहीं हो रहा है, तो आप कौन से टूल में जाना है ये पहले MMC देख लेना है, उसमें MMC लगा है उसमें योफेस लगा है, उसी हिसाब से आपको दोनों को ओपन करना है। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको ये जानकारी दिया है कि हमारे प्रोग्रामर का कैसे यूज करते हैं, कितने रुपए का प्रोग्रामर आता है, कैसा प्रोग्रामर दिखता है, प्रोग्रामर में पहला प्रोग्रामर मैं यो5 बॉक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। यो5 बॉक्स जो आता है, TMS अडेप्टर आता है, MMC अडेप्टर आता है, केबल आता है, यो5 लाइट आता है, उसके बाद इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, गूगल में जाएंगे, यो5 सेटअप में जाएंगे, सेटअप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने पर सेटअप को इंस्टॉल करें, जब आप सेटअप इंस्टॉल करेंगे तो पहले बॉक्स को सिस्टम से कनेक्ट कर लें, फिर डाउनलोड सेटअप को ओपन करें, जब सेटअप ओपन करेंगे तो सेटअप ओपन करते ही ये तीन चीज़ों को इंस्टॉल करने वाला है, किसको इंस्टॉल करने वाला है, तीन चीज़ों को, क्या तीन चीज़ें, पहली बात तो यो5 बॉक्स अपना खुद का ड्राइवर इंस्टॉल करेगा, जब खुद का ड्राइवर इंस्टॉल करेगा तो फिर आल मोबाइल फ़ोन का ड्राइवर इंस्टॉल करेगा, जितने भी क्वालिकॉम मीडियाटेक SVD ADB जो भी ड्राइवर होते हैं सबको इंस्टॉल करेगा, फिर जब सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे तो फिर MMC के टूल इंस्टॉल होंगे, MMC टूल आएगा, योफेस टूल आएगा, एंड्रॉयड टूल आएगा, चिप टूल आएंगे, तो इतने सारे जो टूल होते हैं ये सब इंस्टॉल करें, जब सारा इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, सारा कुछ आपके दोस्तों स्क्रीन में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वरना वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, तुम्हारे बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ से निकालेंगे वहाँ से निकल जाएगा, इसको लिखो धीरे धीरे समझो, तो वीडियो में आपको जो भी समझाते हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट में मैसेज जरूर करें, और इसको कॉपी में अच्छे से नोट करते रहें, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, 6391-711-711, 6391-211-211, इसमें किसी नंबर पर कॉल करें, और अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की इस तरीके से पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट जानकारी कंप्लीट प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करें और आप अच्छा सीख करके अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, अच्छे से सीखें, थैंक यू।